हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टॉर्सनली इक्विवेलेंट शाफ्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 से 4 मार्क्स में आ सकता है या 7 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली प्रीवियसली हमने देखा था फ्री टॉर्सनल वाइब्रेशन इन टू रोटर सिस्टम। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रीवियस जो हमने देखा था वो यहाँ पे इस तरह से था। ठीक है, तो ये क्या था, फ्री टॉर्सनल वाइब्रेशन ऑफ टू रोटर सिस्टम, रोटर ए एंड रोटर बी था यहाँ पे। और यहाँ पे जो डायमीटर था वो सेम डायमीटर था, थ्रू आउट जो डायमीटर था वो सेम था। लेकिन यहाँ पे क्या है, कई बार ऐसी सिस्टम्स होती है, कई बार ऐसी एप्लीकेशन होती है कि जहाँ पे ये जो टू रोटर के बीच में जो शाफ्ट आती है उसमें डायमीटर जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे D1, D2 एंड D3 तीन अलग अलग डायमीटर के शाफ्ट कंसीडर की है। ठीक है, और यहाँ पे उसकी लेंथ L1, L2 एंड L3 कंसीडर की है। यहाँ पे रोटर ए एंड रोटर बी है। ठीक है, सो इन टू रोटर्स और थ्री रोटर्स इट्स एज्यूम दैट शाफ्ट डायमीटर इज कॉन्स्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया। इन एक्चुअल प्रैक्टिस इन मेनी एप्लीकेशंस इट मे बी डिफरेंट, सो कंसिडर अ शाफ्ट हैविंग डिफरेंट डायमीटर। ठीक है, नाउ डायमीटर D1, D2, D3 है और हर एक डायमीटर का जो एंगल ऑफ ट्विस्ट रहेगा वो भी अलग रहेगा, θ1, θ2 एंड θ3। वैसे ही यहाँ पे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा, वो भी J1, J2 एंड J3 रहेगा। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, तो बेसिकली ये जो तीन डायमीटर है ना उसको हमें एक डायमीटर यानी कि इक्विवेलेंट डायमीटर में हमको इसको कंसिडर करना है। जैसे कि यहाँ पे तीन अलग अलग डायमीटर है तो हम क्या करेंगे, कोई एक डायमीटर, जैसे यहाँ पे D1 कंसीडर किया है, आप D2 भी कंसीडर कर सकते हो, D3 भी कंसीडर कर सकते हो, कोई भी तीनों में से एक डायमीटर कंसीडर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे आप उसको एज्यूम करो एज अ इक्विवेलेंट डायमीटर एंड आपकी जो लेंथ होगी वो भी इक्विवेलेंट लेंथ होगी। अगर यहाँ पे आप चेंज करते हो तो लेंथ भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ये तीनों का समेशन नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगी। तो वो हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट लेंथ। जैसे आपको पता है फ्रेंड्स कि ये एक इक्वेशन है T/J एंड C θ/L या तो G θ/L। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं T × L / G × J, तो TL/GJ, उसमें T क्या है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द शाफ्ट एंड जी क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा T × LE / G × J। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट लेंथ जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पोर्शन के लिए क्या होगा, T × L1/G × J1, सेकंड के लिए क्या होगा, T × L2/G × J। अब J क्या है, J है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो J इज इक्वल टू π/32D^4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायमीटर अलग है, तो यहाँ पे J1, J2 एंड J3 भी अलग अलग है, L1, L2, L3 भी अलग अलग है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है बेसिकली। सो अब यहाँ पे T एंड G निकल जाएगा क्योंकि दोनों कॉमन है, तो T निकल जाएगा, G निकल जाएगा सब जगह से यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा LE/JE इज इक्वल टू L1/J1 प्लस L2/J2 प्लस L3/J3 और J इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको कहा कि π/32D^4 होगा, तो यहाँ पे D^4 होगा, D1^4, D2^4 एंड D3^4। अगेन यहाँ पे π/32 निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो LE/DE^4 हो जाएगा इज इक्वल टू L1/D1^4, L2/D2^4, L3/D3^4। और अगर यहाँ पे हम DE को ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है, LE को अगर हम यहाँ पे ले आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, L1/DE/D1^4, सेम वे यहाँ पे L2/DE/D2^4 प्लस L3/DE/D3^4। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट डायमीटर आ गया है सब जगह। अगर आप इसको DE इज इक्वल टू D1 कंसिडर करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे L1 रह जाएगा और बाकी जो है वो वैसे का वैसा रहेगा, यहाँ पे D1 आ जाएगा। ठीक है, DE की जगह D1 आ जाएगा। अगर आप DE की जगह D2 लेते हो, मतलब D2 को इक्विवेलेंट डायमीटर कंसिडर करते हो, तो क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे D2/D1^2 आएगा और यहाँ पे सिर्फ L2 रह जाएगा और यहाँ पे D2/D3^2 आएगा, होल 4 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से ये पूरा थियरी है, होप आपको समझ में आया होगा, छोटा सा थियरी है टॉर्सनली इक्विवेलेंट शाफ्ट। ओके, तो 3 या 4 मार्क्स में भी आ सकता है, छोटी सी थियरी है तो इजीली आप इसको कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, दूसरी एक बात बतानी थी कि अगर आपको पूरा सब्जेक्ट के सब वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट रखे हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए और 1x1 सब वीडियो देख डालिए। डोम सब्जेक्ट जो है आप 2 दिन में कवर कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो
और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इजीली ये पढ़ सके, समझ सके और सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सके। ओके, सो होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।